और मैं बीच में बैठूंगी गाइस। कैसी क्या गाइस, ये लड़की डरते हुए। गाइस आप लोग एक्साइटेड हो? नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। सो आज मैं एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आ चुकी हूँ। सो एक साइड है मेरी कजन, हाय मुनमुन, हाय, और एक साइड है मेरी फ्रेंड जिसका नाम है शिवानी आर्ट गैलरी। यस, तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है एंड हम लोगों ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाने का सोचा है कि इन दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा कौन जानता है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सो मैं अब आप दोनों को रूल समझा देती हूँ। बहुत ही आसान सा गेम है ये, मतलब कि तुम दोनों को बताना है कि जैसे कि समझो मैंने क्वेश्चन बोला और मतलब क्वेश्चन के बाद मैं 3 तक काउंट करूंगी और फिर आप दोनों को आंसर देना है और देखते दोनों में से कौन मुझे सबसे ज्यादा जानता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? सो 1, 2, 3 बोलो। ब्लैक, रेड। गाइस ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। मेरा फेवरेट कलर है स्काई ब्लू कलर। सो दोनों को 0 पॉइंट है गाइस, कोई नहीं जीता। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है मैं 3 तक गिनती करूंगी फिर बोलना, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है कि मेरा उठने का टाइम सुबह मेरी गुड मॉर्निंग कितने बजे होती है? मैंने बोला था ना 3 तक गिनती, मैं 5 बजे, ठीक है? दोनों को 80 पॉइंट मिलते हैं। सो मेरा फेवरेट फूड क्या है? 1, 2, 3 फेवरेट फूड, पता मुझे खाने में क्या पसंद? दाल भाटी। आप क्या पसंद है मुझे? दोनों गलत है गाइस, मुझे दाल चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। दाल तो सही है ना, ये हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे माउंटेन साइड घूमना ज्यादा पसंद है या बीच साइड घूमना पसंद है? माउंटेन। अरे भाई रुको, 1, 2, 3 चीटिंग 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 करता है, माफी बताना प्लीज, कमेंट जरूर करना। अभी इसके आधे पॉइंट है और वो क्वेश्चन का 3 तक पढ़ूंगी, ठीक है? सो मुझे इंडियन वेयर अच्छे लगते हैं या वेस्टर्न वेयर कपड़े? सो 1, 2, 3 इंडियन। वेरी गुड, दोनों राइट है गाइस, दोनों को मिलते हैं 1-1 पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे हाथों में कौन से कलर का नेट पेंट लगा हुआ है? रेड, नीला। मेरा रिया राइट है गाइस। पहले रिया बताएगी कि उसे कैसे पता चला कि नेट पेंट? हाँ रिया, तुमको कैसे पता चला? उनके हाथ, उसके हाथ के नेल्स कौन से गाइस? नेल्स नहीं है मेरे हाथ में गाइस, वो लगाती है। यस, मेरे हाथों में नेल्स ही नहीं है। सो कौन कौन मेरे साथ? सो गाइस मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तक काउंट करूंगी। मेरी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? 1, 2, 3 गुड, मेरी डेली मेरी फेवरेट, ठीक है? ठीक है, तुम्हारी कौन सी है? बच्चे भी नहीं खाते मिल्की बार। भैया ये भी खाती है, इसको मैंने देखा गाँव में खाते, मतलब क्यों पसंद है मिल्की बार? देखो तैरना नहीं आए तो भी पानी में छलांग मारना बड़ी हिम्मत का काम होता है गुरुजी। कोई सी भी दे दो गाइस, सब खा लूंगी मैं तो। फाइव स्टार। वो गाइस वो एक ऐड आता था ना, वो चोरी वाला, वो चोर पे वो बेटा नहीं वो एक और ऐड आता ना, अभी वो एक इंसान मर जाता, वो लोग लिफ्ट में रहते और फिर बोलता फोन उठा, मुझे नहीं पता। चल
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे फोन नंबर के पीछे की दो लास्ट डिजिट क्या है? 1 2 3 2 आप राइट गाइस 2 ठीक है। एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? 1 मतलब स्कूल टाइम का, 10th तक का, मतलब उसके बाद तो कॉमर्स ये सब कुछ आ गया था तो उससे पहले का। 1 2 3 मैथ्स हिंदी गाइस दोनों रो। आप लोग प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सोशल साइंस। आपको कौन सा था? 10th तक तो मेरा शायद पता ही नहीं मैथ्स में मेरे 44 आए थे, बात खत्म। मेरी कैमरामैन बहुत ज्यादा अच्छी है वैसे। हाँ मेरे कंफर्ट मतलब जो घर पे मैं एकदम नॉर्मल कम्फर्ट का आपने लापरवाही का नतीजा है। 1 2 3 शॉर्ट शॉर्ट क्या शॉर्ट मतलब टी शर्ट में दिन भर वीडियो कॉल करती रहती गाइस, दिन भर मेरे कपड़े थोड़े ढीले ढीले थोड़े ढीले एकदम झोले टाइप के जैसे अभी पहने हैं। रियान एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? 1 2 3 साउथ या हॉलीवुड? मतलब मूवी अब उसमें तो कोई वो नहीं है, फेवरेट मूवी ऐसा कौन बता सकता है? आई थिंक मैंने तुझे बताई थी। सनम तेरी का ये तो धोती खोल रहा है। या मैंने तुझे बताया था विवाह? हाँ ये विवाह विवाह बहन मैंने तुझे मथुरा में बताया था। बहुत रही है ऐसी पुरानी वाली। कितने कितने बार देखी है? मैंने कम से कम 5-7 बार देखी है, वो परसों ही देखकर आ गई थी। नहीं तो तुम तो बताओ सबका है तो क्या, और आप ही क्या दोनों मुझे एक मतलब एक आंसर दो। ऑप्शन दो गाइस नया का बादशाह, यो यो हनी सिंह, यो यो अरिजीत सिंह और गाइस वो तो है गुरु रंधावा, टोनी कक्कर बताओ बताओ अरिजीत सिंह। आप अरिजीत सिंह सबका रहता है, सबका रहता है। वैसे आपको जो जो नए नए गाने आते हैं वो सभी को अच्छी लगने लगती है। फेवरेट फोन ऐप कौन सा है मेरा? 1 2 3 फोन का ऐप हाँ जो यूट्यूब एंड गई दोनों को साथ में जवाब देना है, नहीं तो कोई सोचेगा कि हाँ ये हो रही नहीं, चलो। तो चलो यूट्यूब में मर्ग कर रहे थे। यूट्यूब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शिवानी आपका कौन सा है? यूट्यूब एंड आपका स्नैपडा वैसे कहते हैं चिप्पल जूते सेल्फी खाना बाल नेल पेंट गई यहाँ तो नेल्स नहीं मैडम की नेल पेंट था इसका स्नैप था और कई दिन में बालों के भी आते हैं। सो बहुत अच्छा चल रहा है गेम मेरा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में रिया अपने बालों की टिप्स बताई कि आप अपने बालों को इस तरीके से लंबे और सिल्की कैसे कर सकते हैं। यहाँ से होते हुए बाल यहाँ तक आ रहे हैं इसका राज वीडियो के लास्ट में बताएगी, ये लास्ट में जरूर बताना याद दिलाना। फेवरेट टीवी सीरियल 1 2 3 तारक मेहता का उल्टा चश्मा तारक मेहता
पता था तू वही देख सकती है। आपको कौन सा वही देखते हैं। मैं भी कभी सास बनूंगी गाइस। रिया कुछ कौन सा है अनुपमा? हाँ गाइस आप लोगों की कौन कौन सी फेवरेट सीरियल है? आप जो खाना खा के टाइम देखते हो, मैं तो तारक मेहता ही देखती हूँ। कॉमेंट जरूर करना। सभी लोगों के घर पे अधिकतर तारक मेहता ही चलता है। ओल्ड ओल्ड एपिसोड। हाँ ओल्ड वाला। चलो चलो मुझे भी आ रहा है मुझे किससे डर लगता है? अपने पापा से। कंट्रोल फोन आता है तो ये आंसर तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पता एक बार क्या हुआ था, शायद मैंने ब्लॉग में भी डाला था, हम लोग मामा के यहाँ पे थे। सो वहाँ पे नेटवर्क इश्यू बहुत है। अनामिका दीदी के यहाँ पे कितने ज्यादा नेटवर्क इश्यू है कि भाई फोन लगता ही नहीं है। सो पापा के 11 कॉल आ गए थे गाइस। मेरे पास नोटिफिकेशन आते कि भाई पापा के 11 कॉल है। सो ऐसा होता है। आपके साथ कभी हुआ है? वैसे आंसर ये है, मुझे को अपनों को खोने से बहुत डर लगता है। बहुत ज्यादा डीप चली गई, इमोशनल हो गई है। यस जज्बाती हो गई है। सो मेरी ड्रीम प्लेस कौन सी है? वन टू थ्री आउट ऑफ इंडिया या इंडिया, वो कुछ भी हो सकता है गाइस। मेरा घर भी हो सकता है, कहीं और भी, लेकिन ड्रीम प्लेस वृंदावन नहीं, वहां तो चले गए। तो जो ड्रीम रहता ना कि भाई आना है, जाना है, खुद के पैसे से कमाना है, फिर जाना है। गाइस ये ड्रीम ना रह जाए बस, ड्रीम प्लेस। एक एक आंसर बताओ फटाफट, ये तो ये मुश्किल है। फिर भी कुछ तो सोचो। ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि टीचर जब आंसर हिमाचल और आंसर नहीं पता रहता था ना, तो हिमाचल हिमाचल। आपका गाइस मेरी ड्रीम प्लेस है बाली। मुझे बाली जाना है गाइस। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। ब्लॉग बनाने सो मेरी फेवरेट कार कौन सी है? वन ड्रीम कार। हाँ मतलब फेवरेट ड्रीम फेवरेट का बन जाता है वो कब यार? पहले कभी बताना तो था। अब मैंने पहले कभी बताया ही नहीं। सो ड्रीम कार फिर भी कुछ तो सोचो गाइस, नैनो को छोड़ के। फेवरेट कार कौन सी सबसे? थार। आपकी छपरी हो गई है थार। छपरी गाइस थार लवर प्लीज डोंट जज मी एंड माय दीदी नॉट जज। छपरी हो गई है। हाँ थोड़ी बड़ी रेंज रोवर। मजा आया सही थी ना मैं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान फेवरेट कार को नहीं, वो भी थार नहीं, स्कॉर्पियो पसंद है मुझे, वो भी ब्लैक कलर। ठीक है ऐसा ना करोगा इस ठीक है ना होंगी नहीं चलेगा। आप बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये तो शायद हर लड़कियों को पसंद होता होगा। सो पहले मैं काउंट करूंगी नहीं तो भाई इन लोगों का आंसर पता होगा कि जल्दी से बोल देते। सो मुझे रोड मतलब जो लोकल शॉपिंग होती है जैसे कि हमारी भोपाल की देखो न्यू मार्केट या सिटी और या फिर मुझे ईस्ट टाइप की शॉपिंग करना पसंद है, रोड साइड वाली या फिर मॉल शॉपिंग। वन थ्री टू रोड रोड साइड गाइस ये नर्सरी के बच्चे की क्लास लगाएंगे हम। रोड ऑफकोर्स गाइस सबको पसंद होती है रोड साइड। दिल्ली का सरोजिनी मार्केट गाइस क्योंकि यदि मॉल की करेंगे तो घर भी जाएगा और दोस्तों के घर भी जाएगा। मतलब अभी तक कोई चीज ऐसी इंटरेस्टिंग सी कहानी पता है एक बार क्या हुआ था जब मैं न्यू मार्केट गई थी सामान लेने के लिए। मुझे है ना एक टॉप पसंद आया था न्यू मार्केट में, मैंने पहली बार गई थी मैं और मैंने सुना था कि यहाँ पे ना बहुत सस्ते सामान मिलते हैं। अब गाइस वो 20 रुपए का टॉप बेच रहा है 20। अब मेरे को नहीं पता कि वो मतलब सेकंड हैंड कपड़े होते हैं गाइस। मैंने पन्नी भर के घर ले आई और मम्मी ने देखे, मम्मी देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े लेकर आई एंड माय मदर रिएक्शन
इसी के लिए तो देते हैं पैसे बर्बाद करने के लिए। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। गाइस दीदी सुबह कपड़े लेकर आई थी और इतनी खुश थी कि कोचिंग डेली नए नए कपड़े पहन के जाऊंगी, लड़कियां देखेंगी ये इसके साथ गई थी। गाइस मैं और अनामिका दीदी गई थी तो अनामिका दीदी लगी सूट में मिल गया यार, जे तो एक एक घंटे लगाएगी। मैं तो अपने लापरवाही का नतीजा हो जाए। तो कभी भी आप जाओ ना तो सस्ते में इतना सस्ता भी मत डूब जाना कि अच्छे देखो अच्छे देखो अच्छे मिलते वैसे कुछ है ही नहीं। गाइस हाँ गाइस तो अब तुम लोग को बताना नहीं अभी रुक हो जाना। फेवरेट सीजन कौन सा है मेरा? 1, 2, 3 विंटर सबका रहता है। विंटर नहीं नहीं शायद तुझे अभी आप बताइए। गर्मी सीजन में भी सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ता है। हाँ एक वही गर्मी लगा था तो रेनी और आपका विंटर। दीदी इज राइट गाइस, क्या बहन बारिश में पतझड़ में बारिश हो गई। वो पता है बारिश ना स्टार्टिंग की सारी सीजन अच्छी लगती है, स्टार्टिंग की गर्मी ये भी अच्छी लगती है, स्टार्टिंग की रेनिंग भी और समर भी। हाँ वो बहुत बारिश भी होने लगती ना तो गाइस वो क्या है ना रोमांटिक पीपल्स को बारिश पसंद आती है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। गजब बेइज्जती। सो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं दोनों में से मुझे। सो गाइस ये सबसे इंटरेस्टिंग सा सवाल है और देखते हैं सीरियसली, मतलब ये जो इससे पहले क्वेश्चन थे ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत मजे आई, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सीरियसली भाई इतने सीरियस मत हो जितना मैं बोल रही हूँ सीरियस। सो आप दोनों को टाइम मिलेगा आराम से, आप दोनों को बताना है मेरी एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं उसको, मेरी एक अच्छी बात बताना है और एक बुरी बात बताना है, मतलब जो मुझ पे लागू होती है कि हाँ मैं इस बात में मैं ठीक है परफेक्ट हूँ लेकिन तू ऐसी ही है यार इस बात में भी, ज्यादा ही ऐसी मत कर देना। तो एक नेगेटिव पॉइंट बताना है और एक पॉजिटिव पॉइंट बताना है। तो शुरुआत करते हैं शिवानी दीदी से, एक नहीं पहले एक नेगेटिव पॉइंट बताओ। रिया कैसी है? रिया नहीं किया, किया बोला है। गाइस किया में कंफ्यूज मत होना, मेरा घर का नाम किया है, आपको कैसा लगा बताना है। एक नेगेटिव पॉइंट कि गाइस मुश्किल है, देख रहे हो आप जो मैं घर लाऊं वो नेगेटिव निकलता है। दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, मुश्किल है ना, दोनों बताना मुश्किल है। नहीं पॉजिटिव तो फिर भी अपन कोई नहीं बता सकते, नेगेटिव में टेंशन। हां पॉजिटिव में तो मुझे अच्छा लगता है कि सुबह जल्दी उठ जाती है, इससे काम भी ऐसे करती है कि गाइस कोई मतलब नहीं। अभी बोल रही हूँ आधे घंटे बाद वीडियो पोस्ट। नहीं 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 हाँ ऐसे करती है, वीडियो बनाई एडिट की और पोस्ट, मतलब ऐसी नहीं से रिलेटेड नहीं, अपन लोगों के बॉन्ड से रिलेटेड। तो वो सब अच्छा है, क्या बताऊँ मतलब नेगेटिव कितना ज्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी लोगों को बात करने में, लेकिन बहुत मतलब बहुत जल्दी घुल मिल गए हैं क्योंकि दोनों की वाइब सेम है ना। नेगेटिव तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव नहीं फिर भी एक बताना है जब तक इसके पास जा रहे तब आप नेगेटिव सोचना है। सो इसने तो रिया एक एक बहन प्लीज बहन ऐसी मत कर, लास्ट मोमेंट में एक तो बता दे मतलब एक अच्छी बात मतलब एक बुरी बात है कुछ भी यार बुरी बात मतलब कुछ भी कि हाँ कभी ऐसा हुआ तो थोड़ा लगा बुरी बात क्या है यार मुझसे पूछो जरा किसी की बुरी बात। मैं बताऊं इसका नेगेटिव पॉइंट, ये चीजें बहुत जल्दी शेयर कर देती लोगों के साथ, मतलब किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती बहुत जल्दी। गाइस कैमरामैन ने मेरी एक नेगेटिव बात बताई कि मैं ना हद से ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, इसी कारण 2024 में मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हुए हैं।
क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी शेयर करते हैं तो ऐसा होता है अपना समझ के, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी, मतलब सभी लोग सेम नहीं होते। और फिर दूसरी बात ये है कि सीरियसली सब लोग सेम नहीं होते, किसी को जिसको हम अच्छा मानते ना वो तो फिर भाई तो नेगेटिव पॉइंट की बात आई गाइस, ये दोनों मेरे कैमरा मैन ने, मुझे तो नहीं आ रहा है, और मेरे ये पॉजिटिव पॉइंट अच्छी हूँ, अच्छी हूँ चल जा, तो अच्छी हूँ चल जा, फिर भी कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। अरे नहीं यार, फिर भी बोलो वो लास्ट नहीं पॉइंट पे चल अपनी अच्छी के। एंड गाइस मुझे अभी एक क्वेश्चन और याद आ, लास्ट क्वेश्चन ये है कि शिवानी दीदी को मुझसे मिले हुए कितने ईयर हुए हैं, कितने ईयर कुछ नहीं मतलब हम पर दोनों को एक फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में आने में कितने ईयर हुए हैं। कोरोना की बात से, कोरोना का बाद मिले थे, अरे आई थिंक अनामिका की शादी से दो साल हुए और उन दो सालों में मतलब एक ऐसा कोई मूवमेंट बताओ जो हमेशा याद रहा हो, ऐसा कोई मूवमेंट बताओ जो हमेशा याद रहेगा तुमको। भोपाल गए थे साथ में, हाँ गाइस वो एक आंटी को है ना, हमने एक आंटी के वर्कर को गाइस मैंने उनको बेटा बता दिया, तो पिनक पड़ी थी ना कभी नहीं भूल सकते। हम लोग जब हॉस्टल में रुके हुए थे ना, मतलब मेरी कैमरामैन भी हॉस्टल में थी, मेरी दीदी भी मेरे हॉस्टल में थी, मतलब इतना सा रूम था और हम लोग इतने शेयरिंग बेड पे सोए थे रात भर गप्पे और गई अनामिका दीदी ना थोड़ा सा रूट हो गई थी, क्या बोलते हॉस्टल के साथ, क्योंकि वो जैसी आई थी उन्होंने शटर नीचे गिरा दी। सीरियसली बहुत अच्छा मोमेंट था वो नहीं भूल सकते। एंड आपका साथ रहते हो। ये क्या हमेशा फैमिली से ये है ना, लेकिन ये दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और कजन भी है, और कजन फ्रेंड कुछ मतलब अच्छी वाइब मैच होती है मेरी। कैमरा मैन से भी गई इसमें तो वीडियो डिलीट ना हो जाए, बैठे बैठे डिलीट चल रही है वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को हमको बनाने में बहुत मजे आए। यदि आपको इससे रिलेटेड और कुछ वीडियो बनवाना है तो हम तो तैयार हैं ही, और मेरी दोनों सखी भी तैयार है। सो लेट्स मी कमेंट कि अब मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाना चाहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मैंने जिसको देखकर यूट्यूब स्टार्ट किया था ये है वो पर्सन, सीरियसली मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखकर मैंने खुद का यूट्यूब स्टार्ट किया था, सो थैंक यू सो मच। और इनके यूट्यूब का नाम है ये खुद ही बताएंगे, अपना इनको खुद ही दो। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिवानी आर्ट गैलरी, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग से रिलेटेड है, तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करना मेरे चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये है बस ये अपने हेयर का कुछ बताने वाली थी लेकिन वो नहीं बता रही है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।